हाय फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा एंड वेलकम इन श्रद्धा रेसिपीज। आज हम बनाने वाले हैं कॉर्न सूप विथ सुपा कॉर्न। सुपा कॉर्न कॉर्न का एक ब्रांड है जिसमें स्वीट कॉर्न कैरनल्स मिलते हैं। बहुत ही डिलीशियस होते हैं, रेडी टू ईट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही हाइजीनिक हैं। आप जस्ट आपको ये रेसिपी बनाना उसके लिए प्रेफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर कॉर्न के साथ कॉर्न सूप बनाना। ये हमारे इन्ग्रीडियंट हैं। सबसे पहले हम लेंगे रिफाइन ऑयल, ये 1 या 2 टेबल स्पून लेंगे। वाटर, ये पानी हम लेंगे 1 कप, कॉफ़ी वाला कप जो होता है। एंड ये है हमारा सुपा कॉर्न जिसमें हम स्वीट कॉर्न कैंडल्स हैं जिसके हम बनाएंगे कॉर्न सूप। और ये सुपा कॉर्न ब्रांड है, ये हमारा 100 ग्राम अबाउट पैकिंग है, ये 100 ग्राम की। और ये बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही साफ होती है, हेल्दी होती है, हाइजेनिक होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। वैसे रेडी टू ईट है, आप चाहें तो पैकेट कट करके इसे ऐसे ही सॉल्ट के साथ खा सकते हैं, आप इसका कोई भी डिश बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो ये है हमारा सुपर कॉर्न, यानी इस कॉर्न कैरनल्स का हम बनाएंगे कॉर्न सूप। ये हमारे अनियन 1 मीडियम साइज, इसे फाइनली चॉप किया है, फाइनली चॉप्ड टोमेटो 1 स्मॉल साइज, सम ग्रीन चिलीज अबाउट 4 to 5 फाइनली चॉप्ड। एंड ये हमारा सॉल्ट है यानी नमक, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, स्वाद अनुसार। ये थोड़ा सा हमने लिया 1 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर जो कि मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। ये सुपा कॉर्न के साथ आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो ये हमारा सुपा कॉर्न का पैकेट, जिसे हम कट करेंगे। आधा जो इसकी हाफ क्वांटिटी है वो हम लेंगे एक बोल में, एंड नेक्स्ट हाफ क्वांटिटी हम डालेंगे मिक्सर में। ये हमारा मिक्सर जार है। जो हमारी कॉर्न कैरनल्स हैं इन्हें हम रखेंगे, इन्हें बाद में ऐड करेंगे, और जो आधे हैं उसे हम ग्राइंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। वैसे इतने सॉफ्ट हैं कि अबाउट 1 मिनट में ही एक बढ़िया सा हमें स्मूथ सा पेस्ट मिल जाएगा कॉर्न का, और ये आप किसी भी सीजन में ले सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसे, पहले ग्राइंड कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अभी हमने इसे ग्राइंड कर लिया है हमारे कॉर्न को, और एक बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट देखिए तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है सूप के लिए। तो ये है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सूप बनाना। सबसे पहले एक हम कढ़ाई लेंगे जो कि जिसका बेसिल जो है वो थोड़ा सा चौड़ा है ताकि हमें चलाने में आसानी हो। आप नॉन स्टिक या कोई भी ऐसा कंटेनर या बेसिल जिसमें भी आपको कुक करना ले सकते हैं। पहले हमने ऑयल डाला है हाई हीट पे, ऑयल थोड़ा सा हीट हुआ, फिर हम इसमें ग्रीन चिलीज डाल रहे हैं थोड़ी सी स्पाइसनेस के लिए। वैसे आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जो भी सीजन के अकॉर्डिंग या टेस्ट के अकॉर्डिंग वेजीज ऐड कर सकते हैं, जैसे अनियन टमाटो इन सब के साथ। अभी मैं इसमें अनियन डालूंगी यानी प्याज, आप जैसे कैप्सिकम डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं। मैंने तो सिर्फ जो जनरल सी वेजीज होती हैं लाइक ग्रीन चिली, अनियन, टमाटो, दैट्स इट। आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही, और हेल्दी ही होगा और टेस्ट ही इसकी इंक्रीज होगी। तो चलिए फिर अभी अनियन को हम इतना सॉटे करेंगे कि इसकी रॉनेस जो कच्चापन होता है वो निकल जाए उसकी स्मेल, और बहुत ज़्यादा हमें इसे रेड नहीं करना है। देखिए ये परफेक्ट है। अभी हम इसमें टमाटो भी ऐड कर चुके हैं, टमाटो को भी साथ में सौते करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस जस्ट अबाउट हाफ अ मिनट, ये हो गया। अब हम जो हमारा पेस्ट था यहाँ पे कॉर्न का वो हम डाल देंगे, और ध्यान रहे ये स्वीट कॉर्नस है तो हमें इसमें कुछ ये थोड़ा सा स्पाइसी हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि जो टेस्ट को बैलेंस कर ले। अगर आप मीठा सूप बनाना चाहते हैं और आपके पास जनरल है तो आप चीनी डालें, अगर आपके पास स्वीट कॉर्न है तो आपको शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा स्पाइसी चाहते हैं तो उसको थोड़े से स्पाइसी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज करके बैलेंस कर सकते हैं टेस्ट को। अभी हम सॉल्ट डाल रहे हैं इसमें, नमक, मैं इसमें 2 टेबल स्पून सॉरी 2 टीस्पून डाला है। आप जो भी अगर कम नमक पसंद है तो कम डालिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल दीजिए, मैंने एक एवरेज क्वांटिटी में डाला है।
अब जो हमारे स्वीट कॉर्न्स के कैर्नल्स थे वो हमने डाल दिए हैं, साथ में ही कुक करेंगे ताकि अच्छा ये भी एकदम सॉफ्ट हो जाए और कुक्ड वाला टेस्ट आए। और ये बहुत ही हेल्दी होता है, आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, स्नैक्स के साथ दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है कॉर्न। और कोई भी वेजीज डाल के आप इसे हेल्दी हेल्दी सूप बना सकते हैं घर पे वेरी इजली। और अभी हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, आपने देखा जो चाय का कप होता है उस चाय के कप के बराबर पानी डाल के इसे चलाएंगे हम, और इसे एकदम स्मूथ करना है हमें सूप का टेक्सचर। देखिए सूप का टेक्सचर आ चुका है, ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर में हम पानी डालेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद आप चाहें तो बिना पानी के भी डायरेक्टली कॉर्नफ्लोर सूप में डाल के भी चला सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिक्विड है, बट अगर आप उसे एक पानी के साथ मिक्स करके अच्छे से डालेंगे तो कॉर्नफ्लोर जो है वो जल्दी से घुल जाता है और टेक्सचर बहुत अच्छा देता है आपके सूप को। तो ये हमने इसमें ऐड किया, अब इसे हम हाई फ्लेम पे चलाते रहेंगे थोड़ा सा अच्छे से जब तक कि थोड़ा सा थिक ना हो जाए। देखिए काफ़ी अच्छा कलर आया है, काफ़ी अच्छी इसकी जो अरोमा होती है बढ़िया सी हल्की स्पाइसी हल्की स्वीट सी आ रही है इसकी महक, और आई थिंक ये हेल्दी होने के साथ बहुत ही टेस्टी भी होगा सूप। ये हमारा ऑर्गेनो है, ड्राई ऑर्गेनो, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अगर नहीं भी डालते तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो धनिया पत्ती यानी कोरिएंडर लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये हो गया, इसे हम मिक्स करते जाएंगे और हाई फ्लेम पर ही रखेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, थिक करेंगे, एंड देखिए ये थिक हो चुका है, अभी एकदम परफेक्टली रेडी। हम फ्लेम अपना ऑफ कर देंगे और इसे एक बोल में सर्व कर लेंगे। ये हमारा सूप बोल है और इसमें मैं अपनी जो कॉर्न स्वीट कॉर्न कैरल की सूप बनी है वो मैंने इसमें पोर कर दिया है, और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। थोड़ी सी जो कॉर्न्स थे हमारे वो मैं ऊपर से डालूंगी, आप इसे कोरिएंडर लीफ या ऑर्गेनो के साथ गार्निश करके भी दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही इजी है इसे घर पे बनाना और स्पेशली सुपा कॉर्न्स के साथ बनाना तो बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी होता है इसे घर पे, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें सुपा कॉर्न के साथ, ये मार्केट में वेरी इजीली अवेलेबल है, आप कोई भी कॉर्न ले सकते हैं, अगर सुपा कॉर्न नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी कॉर्न ले सकते हैं, बट सुपा कॉर्न इज़ बेस्ट फॉर सूप। तो ये हमारा सूप है, इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, जितना हो सके आप दूसरों के साथ शेयर करें, और एक बार हमारे ब्लॉग साइट पर भी ज़रूर विजिट करें, वो एड्रेस दिया है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।